नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। चीन में गुरुवार को कोरोना वायरस के 29,317 नए मामले रिपोर्ट किए गए। ये कोविड की शुरुआत होने के बाद से सबसे अधिक है। चीन का फाइनेंशियल हब शंघाई अब तक सबसे खराब कोविड प्रकोप झेल रहा है। शहर में हालात इस कदर खराब है कि लोगों को मेडिकल केयर और खाने की किल्लतों से जूझना पड़ रहा है। शंघाई के अधिकारियों ने मार्च से ही यहां पर सख्त लॉकडाउन लागू किया हुआ है। इसकी वजह से शहर की 2.5 करोड़ आबादी अपने घरों में कैद हो गई है। IPL लीग का 15वां सीजन अपने शुरुआती चरण की दहलीज लांग रहा है और इस दौरान कई बड़े बड़े गगनचुंबी सिक्स बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो बात 18 साल के बल्लेबाज में देखने को मिली है वो किसी और में अब तक नहीं दिखी। कच्ची उम्र के खिलाड़ी ने एक सिक्स इतना लंबा जड़ा कि बड़े बड़े धुरंधर उसके पीछे छूट गए। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंडर 19 प्लेयर डिवाल्ड ब्रेविस की। 18 साल के इस बल्लेबाज का IPL 2022 की पिच पर लंबी दूरी के छक्के लगाने में कोई जोर नहीं है। महाराष्ट्र में भले ही देश की पहली बुलेट ट्रेन के काम में सियासी अड़ंगा लग गया हो, लेकिन गुजरात में इसका काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। स्थिति यह है कि सभी स्टेशनों पर भी काम चल रहा है और साबरमती में बन रहा यात्री हब तो इसी साल अगस्त में तैयार होने वाला है। इतना तय हो गया है कि देश में जब पहली बुलेट ट्रेन ट्रायल के लिए जापानी तकनीक पर आधारित विशेष ट्रैक पर दौड़ेगी तो उसकी रफ्तार हवाई जहाज के टेक ऑफ की स्पीड जितनी होगी। बिहार के प्रशासनिक गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अरुण कुमार को हनुमान नगर, रजन लाल निगम को बसंतपुर का BDO बनाया गया है। उपेंद्र दास को रफीगंज, मोहम्मद मुर्शीद अंसारी को कदवा, राजा राम पंडित को गोगरी, अमित कुमार सिकंदरा स्थानांतरित किया गया है। पिछले दिनों नवरात्र में नॉनवेज का सेवन करने को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था और कुछ संगठनों का कहना था कि इस दौरान मांस की बिक्री और उनके सेवन पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही कुछ खास समुदायों पर नॉनवेज को लेकर आरोप भी लगाए गए, लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों में बताया गया है कि देश के 16 राज्यों में लगभग 90% लोग मीट मछली या चिकन खाते हैं। कांग्रेस को मौजूदा राजनीतिक संकट की दौर में उबारने का रास्ता तलाशने के लिए प्रस्तावित चिंतन शिविर की तारीख को लेकर सस्पेंस अभी भी कायम है। चिंतन बैठक बुलाए जाने को लेकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच चर्चा का दौर भी अब पूरा हो गया है, मगर इसके बावजूद तारीखों के ऐलान को लेकर अंदरूनी दुविधा जारी है। अभी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसके लिए अभी ही टैक्स प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अधिकतर संस्थानों में नौकरी पेशा लोगों की बढ़ी हुई सैलरी खाते में आ गई है। ऐसे में सैलरी का बढ़ा हुआ भाग आपके टैक्स की राशि को भी बढ़ाने वाला है। आपकी अतिरिक्त राशि सरकारी खजाने में ना चली जाए, इसके लिए बेहतर है कि कुछ कारगर तरीकों को अपनाएं। टैक्स के अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही एकमात्र सही विकल्प होता है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पीएम मोदी के गेहूं निर्यात की बात करें तो मलिक भड़क गए हैं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में एक कार्यक्रम में मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए करोड़ों का रिश्वत ऑफर पर जब CBI पूछेगी तो मैं उनका नाम बता दूंगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाने के साथ ही केंद्र की मेगा पहल का हिस्सा नहीं है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के साथ काम करने के लिए एकजुट दृष्टिकोण की कमी के कारण केंद्रीय पहल से उसने दूरी बनाई है। रूस और यूक्रेन के बाद अब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार परीक्षण की खबरों से अमेरिका तनाव में आ गया है। इसी वजह से उसने अब अपने सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को कोरियाई प्रायद्वीप पर भेजा है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अमेरिका तक मार करने में सक्षम अंतर महाद्वीप परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। देश को पॉल्यूशन मुक्त बनाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा जोर दे रही है। इसी के चलते पुराने डीजल पेट्रोल वाहन को जब्त भी किया जा रहा है। समस्या को देखते हुए सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अब इलेक्ट्रिक वाहनों को आम आदमी की पहुंच में लाने की घोषणा कर चुके हैं। पिछले 7 दशकों से राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्षों की यात्रा पर 2 खंडों में प्रकाशित हो रही पुस्तक ध्येय यात्रा अभाविप की ऐतिहासिक जीवन गाथा का 15 अप्रैल 2022 को दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सभागार में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले विमोचन करेंगे।
आज से सरकारी और प्राइवेट बैंकों में आज यानी गुरुवार से 4 दिनों की छुट्टी हो रही है। सभी बैंक ब्रांच आज से 4 दिन बंद रहने वाले हैं। अम्बेडकर जयंती, बिहू और बैसाखी त्योहार के अलावा शनिवार और रविवार पड़ रहा है, इस कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी। अधिकतर बैंक गुरुवार 14 अप्रैल से लेकर रविवार 17 अप्रैल तक बंद रहेंगे। जाम से जूझते शहर को जीटी रोड पर बनने वाले एलिवेटेड रोड राहत प्रदान करेगा। नए वित्त वर्ष की कार्य योजना में अब 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को शामिल कर लिया गया है। इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 30 करोड़ रुपए से तैयार होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर तैयार करने के लिए टेंडर के जरिए ही कंसल्टेंट तय होगा। रेलवे ने बिना परीक्षा नौकरी जारी की है। 8वीं से 10वीं पास छात्र बिना किसी परीक्षा के नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवार को 50% अंक के साथ पास होना जरूरी है। देश में बढ़ती बेरोजगारी की मार के बीच भारतीय रेलवे ने नौकरी का अच्छा विकल्प जारी किया है। रेलवे में नौकरी पाना करोड़ों उम्मीदवारों का सपना होता है। फिलहाल पूर्व रेलवे ने योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से अप्रेंटिस पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में स्थित 3 मूर्ति भवन परिसर में नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया और इसे प्रत्येक सरकार को साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब करार देते हुए उम्मीद जताई है कि यह संग्रहालय भारत के भविष्य के निर्माण का एक ऊर्जा केंद्र भी बनेगा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने परिवहन विभाग और जल बोर्ड में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट dssbonline.nic.in के जरिए 9 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 168 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक और तोहफा देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5वें वेतन आयोग और 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया है। यह आदेश तब आया जब सरकार ने मार्च में 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार को वाराणसी पहुंची और पार्टी कार्यालय पर आयोजित सामाजिक समरसता दिवस पर समारोह को संबोधित करते देखी गई। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके पहले सुबह स्मृति ईरानी विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंची तो पार्टी की तरफ से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वो शहर के लिए रवाना हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीरवार को कहा है कि देश में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोकतंत्र खतरे में है। गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं और देश के लोगों को इनके हथकंडों को समझना होगा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 131वीं जयंती पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान उद्घाटन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संग्रहालय देखने के लिए पहला टिकट खरीदा। इसके लिए उन्होंने डिजिटल पेमेंट किया। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित यह संग्रहालय लोगों के लिए प्रेरणा का स्थान बनेगा। रशिया यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 50 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इन 50 दिनों में रूस को यूक्रेन ने कड़ी टक्कर दी है और काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन खबर आ रही है कि युद्ध के 50 दिन बाद रशिया को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने मिसाइल अटैक से ब्लैक सी में तैनात रशिया के मिसाइल क्रूजर को नष्ट कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक आयुर्वेदिक कॉलेज के शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने संबंधी बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि बिहार निजी चिकित्सा भारतीय चिकित्सा प्रणाली कॉलेज टेकिंग ओवर अधिनियम 1985 के तहत राज्य सरकार द्वारा भोजपुर जिले में उनके निजी आयुर्वेदिक कॉलेज को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के बाद शिक्षकों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया था। अमेरिका ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी और कहा है कि वो दोनों देश के संबंधों को अहमियत देता है। अमेरिका ने कहा है कि वो लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को बरकरार रखने का इच्छुक है। वॉशिंगटन के इस बयान को पाकिस्तान की नई हुकूमत में इस्लामाबाद से रिश्ते सुधारने की उसकी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आकर एक व्यक्ति की जान गई है और इसी के साथ जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,21,737 पर पहुंच गई। इसी के साथ देश में मृत्यु दर 1.21% है। इस दौरान 1,007 नए मामले सामने आए जिसमें शामिल करते हुए कुल मामलों की संख्या 4,30,39,023 पर पहुंच गई है। भारत चीन का द्विपक्षीय व्यापार इस साल के पहली तिमाही में 15.3% बढ़कर $32 अरब के पास पहुंच गया है। चीन के सीमा शुल्क विभाग द्वारा बुधवार को जारी व्यापार आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र को लेकर दोनों देश के बीच लंबे समय से गतिरोध जारी है। इसके बावजूद द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा ऊंचा रहा है। जनवरी मार्च तिमाही में भारत को चीन का निर्यात बढ़कर $27.1 अरब पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार $125 अरब के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था।
मार्केट गुरु रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि डिजिटल स्पेस में कंसोलिडेशन होगा और चीजें 3 से 4 साल में ठीक हो जाएंगी। वो भारतीय आईटी कंपनी जैसे TCS, इंफोसिस, विप्रो आदि पर आशावादी हैं। बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल का मानना है कि डिजिटल स्पेस में कंसोलिडेशन होगा। उनको लगता है कि लगभग 75% कंपनियां बंद हो जाएंगी। उन्होंने आगे कहा है कि जब स्थितियां साफ होंगी तो हर कैटेगरी में 2-3 बड़ी कंपनियां उभर कर सामने आएगी। अडानी ग्रुप की कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों ने अच्छा रिटर्न भी दिया है। कई कंपनियां अभी भी निरंतर शानदार रिटर्न दे रही है। इन्हीं में से एक है अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन के शेयर ने निवेशकों को 4 साल में कम समय में 96% से अधिक रिटर्न दिया है। जून 2018 में ये 29.5 रुपए के आसपास था, जबकि इस समय 2870 रुपए के आसपास आ गया है। जून 2022 में जर्मनी में होने वाली समूह 7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्सा लेने की पूरी संभावना है। जर्मनी की तरफ से भारतीय पीएम को अभी आधिकारिक तौर पर आमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन दोनों देश के बीच पीएम मोदी की इस बैठक में जाने को लेकर आरंभिक बातचीत हुई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस बैठक की काफी अहमियत है, जिसमें जर्मनी के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, कनाडा और इटली के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा लेंगे। यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद से दुनिया भर के कई देश आर्थिक संकट की समस्या का सामना करने की कगार पर खड़े हो गए हैं। यही हाल रूस के पुराने सहयोगी क्यूबा का है। पहले कोरोना महामारी और अब यूक्रेन युद्ध ने इस करेबियाई देश की अर्थव्यवस्था को पस्त कर दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रियांशु कुमार चौधरी, मंतोष कुमार, कुश कुमार यादव, रहमान, मृत्युंजय कुमार, कुमार कौशल, रंजीत मेहता, कविता कुमारी, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ